खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाओ के नाम पर आए दिन सब्जी विक्रेताओं तथा खोखा ठेला वालों को अतिक्रमण के नाम पर शोषण कर हटाया जाता आ रहा है। वहीं गरीब ठेला वालों, खोखा एवं सब्जी विक्रेताओं ने इससे परेशान होकर उप जिलाधिकारी खटीमा रविन्द्र बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है जो पूर्व में वेंडर जोन के तहत एक समिति बनाई गई थी, जिस पर जिलाधिकारी एवं नगर पालिका के द्वारा यह आश्वासन मिला था कि उक्त सब्जी विक्रेताओं, फल ठेला, खोखा वालों को भूमि दी जाए की हिदायत मिली, परंतु उनको अब तक भूमि न मिलने से दुकानदार काफी परेशान हैं। वहीं नगर पालिका परिषद खटीमा के द्वारा यह भी कहा गया कि सारदा टॉकीज के सामने और पुरानी तहसील में बैठने योग्य जमीन दी जाएगी, जो आज तक उनको मुहैया नहीं हो पाई। व्यापारियों का कहना है कि बैंडर जोन के तहत उनको भूमि दी जाए। उनकी मांग को लेकर SDM खटीमा रविन्द्र बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांग को रखा कि खटीमा शहर में जगह दी जाए और उनको कोई परेशानी या अतिक्रमण के नाम पर उनको फिर से हटाया न जा सके। उप जिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट ने बताया, बैडर जोन को फिर से संज्ञान में लेकर व्यापारियों तथा व्यापार संघ को बुलाकर 2 से 3 दिनों में एक मीटिंग कर इसका निवारण किया जाएगा। तथा उन्होंने यह भी कहा कि पीली पट्टी के अंदर अब तक जो यहाँ पर या वहाँ पीली पट्टी के अंदर रहकर अपनी रोटी रोजी चलाए और वहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें हमारे जो छोटा व्यापारी है, फल व्यापारी है, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई और सारे फल व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। इसको लेकर के आज सारे फल व्यवसायी तहसील में आए और इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। क्या ये बैंडर जोन के बारे में जो है, एक बार पहले भी ऐसी चर्चा हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज वहाँ फिर चर्चा हुई है, इन्होंने ये कहा कि जब तक बैंडर जोन की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक जो है छोटे व्यापारियों को पुनः एक चिन्हित पट्टी लगाई गई थी, उसी के अंदर रहें, बाहर कोई भी अपना सामान ना लगाए जब तक व्यवस्था 15-20 दिन के अंदर नहीं की जाती। समस्या की जो यहाँ पर खड़ंजा रोड में और पंजाबाग एरिया में और हमारे यहाँ पीलीभीत रोड में, चक्रपुर रोड में हमारा जो अतिक्रमण हो रहा है, उसको हमारे द्वारा हटाया जा रहा था। तो उनको ये समस्या ऐसी कि हमारा कोई वेंडिंग जोन अभी तक डिसाइड नहीं किया, लिहाजा हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ अपने फल या फूल ठेले लगाएँ। तो इस सिलसिले मैंने यू से बात की है और 2-3 दिन का उनका ऑडिट चल रहा है। 2-3 दिन अंदर हम एक वेंडिंग जोन का जो उनका प्रपोजल होगा उसको एक बार स्टडी कर लेंगे और उनको उनके साथ एक फल व्यापारियों और व्यापार संघ वालों के साथ एक मीटिंग रख लेंगे, जिससे हम जो वेंडिंग जोन को उसको फाइनल शेप दे दें। सर, पीली पट्टी तक रहने का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन टेम्प्रेरी व्यवस्था जब तक हम इनका वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इनके रोजी रोटी के ऊपर हमारे उनको छीनना भी सही नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि अभी आप व्यवस्था जब तक नहीं होती, तब तक जहाँ पर बने हैं वहाँ पर रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो। तो लोगों को लेकर हमने काफ़ी सख्ती कर दी है, हवा भी निकाली है, कहीं पर हमने जब्त भी किए हैं। इसकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बाइक अगर रहेगी तो लोगों का आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।